हाँ तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश IQ लाइव में। प्यारे बच्चों, जितनी बच्चे क्लास 12 में हैं और 2025 में बोर्ड परीक्षा देंगे, तो आप सभी बच्चों के लिए मैंने ग्रामर के एक ऐसा सीरीज स्टार्ट किया, 150 रूल्स ऑफ ग्रामर। इस सीरीज को अगर आप प्यारे बच्चों बड़े शिद्दत से देखते हो और इसका नोट्स बना लेते हो, और ये सीरीज में मात्र आपको 10 से 15 मिनट की वीडियोज मिलेंगे, तो आपको यहाँ से जो ग्रामर की 60 अंक है ना, वो पूरा का पूरा पक्के हो जाएंगे। और आज की वीडियोस में प्यारे बच्चों, मैं इस सीरीज का पार्ट 4 डिस्कशन करने वाला हूँ। मतलब कि प्यारे बच्चों, मैं आपको रूल नंबर 4 का डिस्कशन करूंगा। तो एक बार आप सभी बच्चों से मैं आग्रह करूंगा कि अगर आपको वीडियोज पसंद आती है तो प्यारे बच्चों लाइक करो, और आप अपने जितने भी आपके क्लास 10, 11 और 12 के छोटे भाई बहन है उन्हें भी शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरे बच्चों, एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी बच्चों के लिए कि क्लास 10, 11, 12 और इसमें से क्लास 11 और 12 के अगर आपका स्ट्रीम साइंस है, अगर आपका स्ट्रीम साइंस है या आपने आर्ट्स ले रखा है, तो प्यारे बच्चों आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि क्लास 11 और 12 के सभी स्ट्रीम और क्लास 10 के ऑल सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर नोट्स मिलेगा, ठीक है। जिसमें क्या क्या रहेगा, तो आपका फिजिक्स रहेगा, ठीक है, केमिस्ट्री, प्यारे बच्चों मैथ्स, बायो, प्लस हिंदी इंग्लिश, तो आपको लाइव क्लास भी मिलेगी, ठीक है। आर्ट्स की बात करें तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, साथ में ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इसके बाद अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी, तो इन सब सब्जेक्ट्स की आपको यहाँ पर पूरा का पूरा चैप्टर वाइज नोट्स मिलेगा, और सभी विषय का टेस्ट सीरीज आपको वीकली साप्ताहिक होगा। ये सारी चीजें कहाँ होगी, तो प्यारे बच्चों अभी आपको तत्काल में आपको टेलीग्राम पे सब कुछ मिलता है। आप सभी बच्चे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दें, 9608213299 पे आपको मैं टेलीग्राम का लिंक भेजूंगा। और 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल ऑलमोस्ट बच्चा बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आ रहा हूँ। 16 अप्रैल के बाद आपको 16 अप्रैल से ऑल सब्जेक्ट नोट्स और टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, विनती करूंगा कि आपके जो भी छोटे भाई बहन उसे जरूर इस वीडियो को शेयर करो, और उन्हें बोलो सब्सक्राइब करके व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे, मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा। चलिए बच्चा शुरू करते हैं, जहां से हमारे को सीधे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो रूल नंबर 4 में क्या लिखा है, लिखा है अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में, अगर किसी इंग्लिश सेंटेंस में येट, सो फार, अप टू नाउ और टिल नाउ, अगर ये चारों वर्ड्स रहे, ठीक है, इन चारों वर्ड्स का अगर हम बात करते हैं मीनिंग का, तो सेम होता है। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग अगर हम बात करें तो प्यारे बच्चों अब तक कह सकते हैं या अभी तक, ठीक है। इन चारों वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है, तो अब तक होता है और अभी तक होता है। टिल टुडे की अगर हम बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है आज तक, टिल टुडे आज तक। रिसेंटली का मतलब होता है प्यारे बच्चों हाल फिलहाल में, हाल हाल फिलहाल में, ठीक है, हाल फिलहाल में। जस्ट और जस्ट नाउ, जस्ट और जस्ट नाउ का मतलब होता है अभी अभी, जस्ट और जस्ट नाउ का मतलब क्या होता है, अभी अभी। एवर का मतलब होता है कभी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको किसी भी सेंटेंसेस में ये सब वाक्य दिख जाए, जो वर्ड्स मैंने यहाँ पे दिखे हैं, सॉरी वाक्य नहीं शब्द, ठीक है, येट, सो फार, अप टू नाउ, टिल नाउ, टिल टुडे, रिसेंटली, जस्ट, जस्ट नाउ, एवर, नेवर, ऑलरेडी, तो ध्यान से देखना आगे यहाँ पे क्या लिखा मैंने, कि ये सब वर्ड लगा रहे तो उस सेंटेंस को कौन सा टेंस में बनाते हैं, तो प्यारे बच्चों उस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। उस सेंटेंस को किसमें बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो प्यारे बच्चों उस सेंटेंस को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सीधा ये सब वर्ड दिख जाए तो आप आंख बंद करके उस सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में बनाना, और यहां से आपके बोर्ड परीक्षा में एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बनते ही रहेंगे, ठीक है। चलो भैया, सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे मुख्य बातें होती है वो क्या चीज होती है, तो गुरुजी स्ट्रक्चर। तो प्यारे बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने लिख रखा है, वो देखो स्ट्रक्चर क्या है। तो प्यारे बच्चों स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैव और हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपके सामने होगा
कि गुरुजी ये हैव और हैज दोनों लगेगा, दोनों में से कोई एक लगेगा सिंगल सेंटेंस में? तो प्यारे बच्चों ये दोनों नहीं लगेगा, दोनों में से कोई कोई एक लगेगा। चैट बॉक्स में बताओ कि कौन किसके साथ लगेगा। अगर आपके सामने, अगर प्यारे बच्चों आपके सामने आई वी यू दे और प्लूरल रहे, इसके साथ क्या लगेगा चैट बॉक्स में बताओ। अगर आपके सामने ही शे एट और सिंगुलर सब्जेक्ट रहे, इसके साथ क्या लगेगा चैट बॉक्स में बताओ। तो प्यारे बच्चों जो ए नंबर वाले हैं इन सबके साथ में आपको हैव लगाना है, इन सबके साथ में क्या लगाना है हैव लगाना है। और बी नंबर जो है इन सबके साथ में आपको क्या लगाना है हैज लगाना है, क्योंकि यहां से आपको क्वेश्चन बनना तय है। और इसके बाद क्या लगेगा, तो इसके बाद प्यारे बच्चों भर्ब का तीसरा रूप। तो भर्ब का तीसरा रूप कैसे बनाते हैं, तो जब भीवन में डी जोड़ते हैं या ईडी जोड़ते हैं या कहीं बारी टी जोड़ते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं, आपसे प्यारे बच्चों मैं पूछूं कि प्ले का V3 क्या होगा, आप सारे बच्चे चैट बॉक्स में बताइए। अगर मैं आपसे पूछूं कि गो का V3 क्या होगा, आप सारे बच्चे मुझे चैट बॉक्स में बताइए क्या होगा। सभी बच्चे जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे, तो आप बोलोगे गुरु जी प्ले का जो V3 होगा वो क्या हो जाएगा, तो प्लेड हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लेड। गो का जो V3 होगा वो क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों गो का जो V3 है वो गॉन हो जाएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भर्ब के कौन से फॉर्म लगते हैं, रूप लगते हैं, तो प्यारे बच्चों भर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, तीसरा फॉर्म लगता है। रूप कौन सा लगता है, तीसरा V3। तो ऐसे हम लोग बनाते हैं। यहां तक में किसी बच्चों को कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? अब जो मैं आपके सामने सवाल लेके आऊ, वो सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन मैंने उठाए हैं जो पिछले साल के एग्जाम्स में हो सकता है वो 2020, 2021, 2022, 2023 में, 2018-19 में वैसे ही सवाल मैं लेके आया हूं जो आपको पीछे पूछे गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट से। इससे क्या होगा कि एक आपको आइडियाज लगेगा, हाँ इस प्रकार का सवाल पूछा जाता है, और कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, किस प्रकार का पूछा जाता है, वो भी मैं अंत में कराऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के, और यहाँ पे अधिकतम एग्जाम्पल्स जो है वो परीक्षा में पूछा गया है। प्यारे बच्चों अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो मैं आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, सलाह है कि प्यारे बच्चों क्लास को थोड़ा सा लाइक करो, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही है, और इस क्लास को व्हाट्सएप टेलीग्राम के ग्रुप स्टेटस में शेयर करो। आप ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे आप सभी बच्चों का सपोर्ट की जरूरत है। 16 अप्रैल से क्लास 11, क्लास 12 आर्ट्स और साइंस की ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लेके आ रहा हूँ, ऑल सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, और साथ में क्लास 10 का भी ऑल सब्जेक्ट नोट्स लेके आ रहा हूँ। तो मुझे आप सभी बच्चों का सपोर्ट चाहिए, साथ चाहिए, तो आप जितना हो सकता है उतना शेयर करिए बच्चा, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ। अब देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड द वर्क। तो वर्ड क्या लग गया, जस्ट मतलब मैंने अभी काम समाप्त किया है। इसका अर्थ क्या हो गया, मैंने अभी काम समाप्त किया है, मैंने अभी काम समाप्त किया है। ये हो गया हमारा फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर है आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी तुरंत आया हूं, आई हैव कम जस्ट नाउ, मैं अभी तुरंत आया हूं। ठीक है, अगला है आई हैव इटन, मैंने खाना खा लिया है। आई हैव इटन, मैंने खाना खा लिया है। ठीक है, हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उसे देखा है। ठीक है, तो ये सब जो क्वेश्चंस हैं प्यारे बच्चों, ये सारे के सारे आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे हुए सवाल हैं, तो आप सभी बच्चों को इन्हें बड़े ध्यान से देखना है। आपको नॉर्मल यहाँ क्या ध्यान देना है, अगर सब्जेक्ट हैव आई रहे तो हैव लगाना है। ठीक है, अगर आपका तो भर्ब क्या लगेगा, तो V3 लगेगा। ठीक है, ये नॉर्मल है, और कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको आएंगे। देखो कहते हैं ही हैज वन द प्राइज। अब देखो बच्चा, तो सब्जेक्ट ही है तो क्या लगेगा, हैज या हैव, हैज, और विन का V3 क्या होता है, तो ये वन जो है ये V3 है। ही हैज वन द प्राइज, ठीक है, वह प्राइज
जीत चुका है या उसने प्राइज जीता है कह सकते हैं। ठीक है, आई हैव टेकन माई कैमरा, आई के साथ क्या लगेगा, हैव, और टेक का भीतरी क्या होता है, टेकन, तो मैंने कैमरा लिया है, मैंने कैमरा लिया है, आई हैव टेकन, मैंने अपना कैमरा लिया है, मैंने अपना कैमरा लिया है, मैंने अपना कैमरा लिया है, मैंने अपना कैमरा लिया है। अगला है, द मून हैज नॉट अपियर्ड, चंद्र, चांद नहीं दिखा है, चांद नहीं प्रकट हुआ है, प्रकट हुआ है कह सकते हैं, अपियर प्रकट होना, चांद नहीं प्रकट हुआ है। हैज योर फादर गॉट अ नाइस कार, ये बड़ा अच्छा सवाल है बच्चा, तो योर फादर के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, ठीक है, क्या आपके, क्या आपके पिताजी को एक अच्छा कार मिला है, क्या आपके पिताजी को एक अच्छा कार, क्या आपके पिताजी को एक अच्छा कार मिला है। ठीक है, ये सारे के सारे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कुछ और सवाल हैं जो एग्जाम में सीधे तौर पर पूछे गए, ये सारे के सारे प्यारे बच्चों पिछले साल सब में पूछा गया सवाल है, हो सकता है 2018 में, 19 में, 17 में, 20, 21, 22, लेकिन ये पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, यहाँ से आपको टेंस पे पकड़ बनेगा, ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करने का आइडिया मिलेगा। ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी तुरंत बाहर गया है, वह अभी तुरंत बाहर गया है। ठीक है, वह अभी तुरंत क्या गया है, कहाँ गया है, तो वह अभी तुरंत बाहर गया है। ही हैज नॉट रिमेम्बर्ड येट, उसने अब तक याद नहीं किया है, उसने अब तक याद नहीं किया है, उसने अब तक याद नहीं किया है। माई ब्रदर हैज ऑलरेडी रिमेम्बर्ड दिस टॉपिक, मेरा भाई पहले ही इस टॉपिक को याद कर लिया है, मेरा भाई पहले ही इस टॉपिक को याद कर लिया है। द ट्रेन हैज जस्ट लेफ्ट, ट्रेन अभी तुरंत खुली है, ट्रेन अभी तुरंत खुली है, ट्रेन अभी तुरंत खुली है। प्यारे बच्चों ये वीवीआई प्रश्न है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चंस हैं और साथ में एमसीक्यूज हैं, इस एमसीक्यू का आप सभी बच्चों को कमेंट में जवाब देना है, लेकिन एक सवाल है, आई हैव नॉट सीन एनी पिक्चर सिंस जनवरी, ये एग्जाम में पूछा गया सवाल है, कहते हैं आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, नॉट, आई हैव नॉट सीन एनी, सीन हमारा क्या है तो भीतरी है, आई हैव नॉट सीन एनी पिक्चर सिंस जनवरी, मैंने मैंने जनवरी से कोई फिल्म, मैंने जनवरी से कोई फिल्म नहीं देखा है, मैंने जनवरी से कोई फिल्म नहीं देखा है। ठीक है, ये जो बच्चे 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स थे जो आपके परीक्षा में पूछे जाने लायक हैं। अब आप एक सवाल, आप सभी बच्चों को कमेंट करना है, इसका करेक्ट आंसर्स क्या होगा, हैव यू डैश हिम, ठीक है, हैव यू डैश हिम, तो आप सभी बच्चे इसका आंसर्स बताओ अपने से, फिर मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, हैव यू डैश हिम, तो बच्चा हैव यहाँ पे आ गया, इसके बाद है यू, अब यहाँ पे क्या लगेगा, तो गुरु जी यहाँ पे भी3 लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा, भी3, तो सी हमारा V1 है, सीन हमारा V3 है, सॉ हमारा V2 है, ये हैड प्लस सीन, तो हैड प्लस V3, तो हमको बस चाहिए क्या, V3, तो अब ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, तो प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, तो आंसर हमारा हो गया सी, आंसर क्या हो गया प्यारे बच्चों, तो आंसर हो गया सीन। और ये हमारा वीडियोज आपको कैसा लगा आप सभी बच्चे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना, और ये सीरीज आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में बताना, और जितना हो सकता है इस वीडियोस को, इस सीरीज को आप शेयर कीजिए सभी के सभी बच्चे। ठीक है, मुझे आप सभी बच्चों का सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, और 2 से 3 दिन में ऑल सब्जेक्ट नोट्स आ रहे हैं, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, साइंस हो, आर्ट्स हो, और टेस्ट सीरीज भी आ रहा है, तो मुझे आप सभी बच्चों का बहुत ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है। मिलेंगे अगले सीरीज में, अगले वीडियोज में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद प्यारे बच्चों।